से चतुर और बुद्धिमान तेनाली तेनाली हर हर मुश्किल पल में आसान तेनाली पल में तोला है और माशा भी तेनाली वो है कवि और कर मस्ती भी तेनाली तेरे ना 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 तेनाली तेनाली रामन मैं आ गया The Adventures of Tenali Raman तेनाली और विदेशियों की कथा। विजयनगरा के राज्य में आज उत्सव का माहौल था। आज सबके चहेते महाराज कृष्णदेव राया से मिलने बहुत दूर से तीन बड़े खास मेहमान आने वाले हैं। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, समझे? फिक्र मत कीजिए महाराज, मैंने यानी विदेश मंत्री ने हर इंतजाम बारीकी से देख परख कर किया है। वाह, बड़ी धूमधाम से आए हो। आहा, राजगुरु जी जरा बचकर। अरे नहीं, नहीं, नहीं। राजगुरु जी मोहतरमा, आपको देखने के बाद तो बीमार इंसान भी ठीक हो जाए, हम तो हट्टे कट्टे हैं। राजगुरु जी! क्या? नहीं, गलत वक्त पर मत आओ। गुरु जी फिक्र मत कीजिए, मैं आपको उठाता हूँ। तुम्हें कितनी बार समझाया है टिंगरे, टांग मत अड़ाया करो। मोहतरमा, आपके सामने हुई इस बदसुलूकी के लिए माफी चाहता हूँ। आपकी इसमें क्या गलती महाराज, आपको अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। ये है हाइकू, एक जाबाज तलवारबाज, ये दूर निपोन द्वीप पर रहते हैं महाराज। और ये है राइनहार्ड, जो अलेमानिया की घाटियों से आए हैं। प्रणाम महाराज। और आप हैं खूबसूरत मर्लिना, दुनिया भर में मशहूर समुद्री कप्तान और मसालों की व्यापारी। विजयनगरा में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। और मैं हूँ तथाचार्य, विजयनगरा का राजगुरु। मरीना जी, महाराज जानना चाहते हैं कि क्या आप हमारा राज्य देखना पसंद करेंगी? ओह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, जरूर देखना चाहूंगी। और विदेश मंत्री होने के नाते मैं राजगुरु खुद आपको ये मेरा यानी कि हमारा राज्य दिखाऊंगा। राजगुरु बस बहुत हुआ, तुम इनके साथ जाने की सोचना भी मत। तुम अब से सारे हाथियों का ख्याल रखोगे, तुम अब से हाथी के सेवक बनोगे। महाराज ये नाइंसाफी है, सरासर नाइंसाफी। मैं ये ओहदा स्वीकार नहीं करूंगा।
मैं चाहूँगा कि आप शाही पुस्तक के पांचवें पन्ने को पढ़िए। ठीक है, सेवक बनो, नहीं तो उनके रहने की जगह को साफ करने का काम भी तुम्हें सौंप दिया जाएगा। तो रामन है अब से हमारा नया विदेश मंत्री। क्या रामन? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माननीय मेहमानों, आपको पूरे राज्य का दौरा रामन कराएगा। ओ रामन, देखना आज के बाद ना तुम इस दौरे को भूल पाओगे ना ही तुम्हारे मेहमान। ये मेरा तुमसे वादा है। हाँ आए। तुम जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है हाथी के सेवक। राजगुरु, सही वक्त पर आए हो। तुम जानते हो मुझे क्या चाहिए। मुझे बदला दिला दो और मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। ठीक है, मैं रामन को सबक सिखाऊंगा, पर सच कहूँ तो ये कपड़े तुम पर बहुत जच रहे हैं राजगुरु। ये है हमारा बाजार जहाँ पर मसालों और बाकी चीजों को खरीदा और बेचा जाता है। ये क्या? ये तो वही दुष्ट तांत्रिक है। ये कालकोठरी से भागने में कामयाब हो गया। पहले मेहमान नवाजी हो जाए। उसने टिंगरी को तंत्र विद्या से शेर में बदल दिया। लेकिन मेरे बालों के आगे उसके बाल फीके हैं। इसकी चटनी मैं बनाता हूँ। हाँ? मरने के लिए तैयार हो जाओ। आ जाओ, मैं यहाँ हूँ। अब उसे भी हाथी बना दो। मैं इस तांत्रिक को अपनी तेज तलवार की मदद से रोकता हूँ। क्या? अरे रे बेचारा, मेरे बाल। इसे कैसे रोके? एक ही रास्ता बचा है। रस्सी पर चढ़ना होगा। रामन ने उसे अपने वश में कर लिया। रामन, तुम्हारा जवाब नहीं। धन्यवाद मेरे दोस्तों।
लेकिन तुमने इस तरकीब के बारे में सोचा कैसे? कोई बड़ी बात नहीं थी, मुझे ये चीज मेरे दादा ने सिखाई थी। अरे लेकिन राजगुरु कहाँ है? लगता है उनकी चाल उल्टी पड़ गई और वो खुद अपना शिकार बन गए। हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी, अच्छाई की हमेशा जीत होती है। हाँ।